हम रूलिंग पार्टी को क्योंकि उनके पास बताने समय में है, या तो वो इसको सपोर्ट करें या वही रेजोल्यूशन लाए हम उनको सपोर्ट करें। बाकी अगर वो ये नहीं करते तो ये सब फिक्स मैच है। एक तरफ से वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, दूसरी तरफ से ये बीजेपी वाले संघ वाले मिलकर शोर करते हैं। सो नोबडी इज बीइंग अलाउड टू स्पीक। यू ब्रिंग अ वीक रेजोल्यूशन, डोंट अलाउ एनीबडी टू स्पीक। और मुझे लगता है ये असेंबली चलेगी नहीं, अल्लाह ना खैर सलाह खत्म हो गई। सो कोई धोखा नहीं, इट्स अ बिटेल ऑफ। ये पहला सेशन था 2019 के बाद जो आज असेंबली बोलेगी वो होगा मॉरल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ 2009। व्हाट डू वी टेल पीपल? एक हाफ वे एक एम्बिग्यूस वर्डिंग वाला एक रेजोल्यूशन आता है। इज दिस व्हाट पीपल ऑफ कश्मीर वोटेड फॉर? ये हिस्टोरिकल धोखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एंड वी विल नॉट बी अ पार्टी टू फ्रॉड। दिस इज द रेजोल्यूशन। या ये लाए और हम सपोर्ट करें, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, या ये हमें सपोर्ट करें। लेकिन 2019 के बाद ये हिस्ट्री नोट करेगी कि जो पहली असेंबली थी ये उन्हें दिया, और जो गवर्नर एड्रेस था उसमें तो जिक्र ही नहीं है। और मैं स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं कि ये देखिए कि वैली में बीजेपी कांग्रेस और एनसी को मिलाकर 40-45% होता है, 55% वोट पे उनके खिलाफ हो रहा है। हम जाए डिफॉल्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव, ही कैनॉट इग्नोर अस। हमने एडजॉर्नमेंट नोटिस दी, बोला नहीं। इन्होंने रेजोल्यूशन लाया, बोला मैंने सुना ही नहीं। और हमने अमेंडमेंट के लिए दिया गवर्नर से एड्रेस, कोई जिक्र ही नहीं। सो लेट हिम नॉट प्ले अ पार्टिसन रोल। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी। क्लियर कट, वी वांट अ क्लियर कट न्यू रेजोल्यूशन। अमेंडमेंट नहीं हो सकती रेजोल्यूशन में, वो लॉक में नहीं। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 350 वापस चाहिए, और हम 5 जगह को रिजेक्ट कंडेम।